हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग नॉलेज। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे ACCL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से। दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है और साथ में ये भी बात करेंगे कि ACCL को आखिर क्यों एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद और एग्ज़ाम डेट देने के बाद मेन टाइम में एग्ज़ाम कैंसिल क्यों करना पड़ा। चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं अभी तक ACCL में क्या क्या हुआ है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है ACCL में जो माइनिंग की एग्ज़ाम होने वाली थी 4 तारीख को संडे के दिन, वो एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो चुका है। आप यहां डेट देख सकते हैं नोटिफिकेशन का, 1 तारीख को दोस्तों ACCL के ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका था। आई होप इतना दूर आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम कैंसिल क्यों हुआ। तो दोस्तों आप यहां रीज़न देख सकते हैं, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव इशू यहां पर रीज़न दिया गया है। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस मतलब अनिवार्य परिस्थिति और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव इशू मीन्स प्रशासनिक मुद्दा कुछ होने के कारण ये एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा। अब अनिवार्य परिस्थिति क्या थी ये तो पता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। आई होप इसको देखने के बाद कुछ क्लियर हो पाए। दोस्तों आप ये नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर की ओर से दोस्तों ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। ग्रुप में आया था दोस्तों, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। गौर करने वाली बात यह है कि आप यहाँ डेट देख सकते हैं 29/5/2023 को ये नोटिफिकेशन निकाला गया होगा, मीन्स आज से दो दिन पहले दोस्तों नोटिफिकेशन आने के बाद आखिर क्यों ACCL के एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा। आप यहाँ नोटिफिकेशन में दोस्तों पढ़ सकते हैं, कुछ क्लियर तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन जिन लोगों ने जो केस किया है वो दोस्तों माइनिंग सरदार एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। आई होप हो सकता है कि ये रजिस्टर्ड वाला किया होगा या फिर कुछ और होगा, मैं इससे पढ़ कर नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर आप समझ पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये सब दोस्तों कुछ मुद्दा हो सकता है ACCL का एग्ज़ाम कैंसिल करने के लिए, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हो सकता है, शायद यही कुछ हो कि केस हो गया हो और आप एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं ACCL का, ये सब कुछ पैटर्न हो सकता है दोस्तों। अब दोस्तों जो मेन बात है, एग्ज़ाम नहीं लिया गया ये तो ACCL ने कुछ क्लियर नहीं बताया है, बस वहाँ पर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव इशू लिखा है। इसका क्या मतलब है कुछ क्लियर ACCL वाले बताए नहीं हैं, बस हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब मैटर भी हो सकता है। दोस्तों आपको पता है अभी तक कितना एग्ज़ाम हो चुका है, NCL, MCL, WCL और भी दोस्तों एग्ज़ाम हो चुका है। अभी तक किसी में भी दोस्तों लड़का लोग का कोई रिक्रूटमेंट नहीं लिया गया है, बस एग्ज़ामिनेशन रिजल्ट दिखा दिया गया है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग मिल के एक ज़रूर मीटिंग कीजिए, DGMS वाले हो या कोल इंडिया वाले हो, जितने भी दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग हैं वो लोग एक मीटिंग करें और क्लियर फैसला निकालें कि जो रजिस्टर्ड वाले हैं वो लोग क्यों नहीं फॉर्म भरेंगे। आप ही ने तो PDPT दिया है, वो लोग कहाँ जाएंगे ये सब डिग्री लेने के बाद, आखिर वो भी तो DGMS से डिग्री ले रहे हैं। तो ये सब इशू है दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि एक बार ज़रूर सब मिल के एक अच्छा डिस्कशन किया जाए और रजिस्टर्ड वालों को भी एग्ज़ाम में मौका दिया जाए और जो प्रमोशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको भी सॉल्व किया जाए, तभी दोस्तों ये माइनिंग का प्रॉब्लम ख़त्म होगा। आपको भी पता है ये रजिस्टर्ड वाला सही रूल नहीं है। तो ये था दोस्तों, मुझे ऐसा लगा कि इसके कारण हो सकता है। अब क्या बात है दोस्तों पता नहीं, लेकिन ACCL वाला बोला है कि हम लोग जल्द ही इन्फॉर्म करेंगे शॉर्टली, तब तक आप ACCL का वेबसाइट देखते रहना, कुछ इन्फॉर्मेशन और आ सकता है। ये जो न्यूज़ है दोस्तों एक बार ज़रूर सबके साथ शेयर करना कि ACCL का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, नहीं तो बहुत को निकल जाएंगे जिनसे उनको काफ़ी प्रॉब्लम का समस्या फेस करना पड़ सकता है। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ACCL का एग्ज़ाम क्यों पोस्टपोन हुआ है।